नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास वर्कशीट नंबर 29। ठीक है, तिथि 9 सितंबर 2020, विषय हिंदी, कक्षा 9। ठीक है, तो ये आज का जो आपका ये वर्कशीट आई है ये आपकी किसकी है? माखन लाल, ठीक है, चतुर्वेदी जी की है। पिछली बार हमने किसकी पढ़ी थी याद है? रसखान जी की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, तो चलिए इसे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार। पहले इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देश प्रेम की गौरव गाथा और अमर गायक श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी में हुआ था। और ये आपके गौरव गाथा, देश प्रेम के लिए गौरव गाथा गाते थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बने। जैसे अभी 15-16 आयु आपकी है ना, 14-15, तो इसी में ही ये शिक्षक बन गए, एक टीचर। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है, उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे आगे। जो आपका ये आप क्या पढ़ेंगे आज, कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कवि उनसे मतलब लास्ट हर में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है जो कवि है ये कह रहे हैं और कोकिला मतलब कोयल से पूछ भी रहे हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, किसका संदेश किसका है, कोकिला बोलो तो। ठीक है, कोकिला से बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ बोलो किसका संदेश लेके आई हो। ठीक है, इतने को थोड़ा सा भावार्थ पढ़ते हैं तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप हो जाती हो। ठीक है, क्यों, देखो ये ना, क्यों रह रह जाती हो, रह रह मतलब रुक रुक क्यों जाती हो, बीच में चुप हो जाती हो। ठीक है, हे कोयल जरा बताओ तो क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो, अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश किसका है, जरा मुझे बताओ। ठीक है, कोकिला बोलो तो। अब आगे है ऊंची काली दीवारों के घर में, डाकू चोरों बटमारों के डेरों में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात की काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। तो इसके बाद कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार, ठीक है, जेल के अंदर अंधकार और डाकू के साथ रखा जाता था, में काली और ऊंची दीवारों भी के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ता था। किसको, स्वतंत्रता सेनानी को जो देश के लड़ रहे थे। ठीक है, काफी मार्मिक स्थिति हो जाती है इस टाइम पे, हमें अपने देश के प्रति बहुत ही लगाव रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कैसे कैसे लोगों की वजह से आजाद हुआ है ना, हम उन्हें याद भी नहीं करते, बहुत कम लोगों को याद करते हैं। जहां उनका कोई सम्मान सम्मान नहीं, जो हमारे देश के वीर जवान है, देख रहे हो हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इस बात को लेके, जहां उनको कोई सम्मान नहीं, आजाद भारत उन्हीं की वजह से हुआ है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था, और ना ही उन्हें पूरी तरह से यही ना मरने दिया जाता था। ठीक है, यानी उन्हें तड़पता तड़पता कर जीवन जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है, उन्हें तड़पा तड़पा कर रखता था हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। इस प्रकार उन्हें स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई, उन्हें कैदियों बना के तो रखा गया, जो चीज उन्हें मिलनी चाहिए थी वो चीज भी नहीं मिलती थी उन्हें, और उन्हें ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता था। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के मध्यम माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल इतनी रात को तू क्यों जाग रही हो और दूसरे को क्यों जगा रही हो। ठीक है, तो क्यों हुक पड़ी, ठीक है, क्यों हुक पड़ी वेतना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव सी रखवाली सी, कोकिल बोलो तो।
ठीक है, काफी भावुक हृदय अगर आप समझ में आ रहा हो तो काफी मार्मिक शब्द ले रखे हैं और स्थिति यहाँ पे है। तो यहाँ पे है, कोयल बोलो तो जो तुम्हारे कंठ में वेदना सी ऐसी हुक सुनाई पड़ रही है। जैसे कोयल की तो बहुत मीठी मीठी आवाज होती है, लेकिन जो इस टाइम पे कवि को सुनाई दे रही आवाज काफी उसमें करुणा भरी आवाज है, काफी उसमें करुणा है, ठीक है, दर्द है। कोयल को सबसे मीठी और सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है, इसलिए वह व्याकुल हो उठा कवि। अब यहाँ से अपने मन से भावार्थ, इसलिए कवि व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। जिस हिसाब से कवि को कोयल की आवाज लग रही थी ना, काफी करुणामय, जैसे कोयल भी काफी दुखी हो इस वजह से, ठीक है, उनकी वेदना पूछना चाहते हैं कवि। तो ठीक है, हम अपने पाठ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक, प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किया गया या किए गए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे है आपका। ठीक है, कवि ने जेल के अंदर होने वाली अमानवीय व्यवहार के बारे में कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकारमय में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ता था। उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। वहां कैदियों का रहना मुश्किल था। उन्हें जीने के लिए पेट पर खाना भी नहीं देते थे। ठीक है, प्रश्न दो, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता था। ठीक है, तो प्रश्न दो ये है, मेरे विचार में अंग्रेज भारत को कभी भी आजाद नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था स्वतंत्रता सेनानी इन्हें आजाद करा लेंगे, तो वो नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो। अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों तथा डाकू लुटेरों में कोई अंतर नहीं समझती थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत ज्यादा योगदान रहा भारत के आजादी में। ब्रिटिश सरकार ने भारत को निरंतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, ये इसे ही चोर उचक्कों के हिसाब से रखते ताकि लोगों का जो ध्यान है वो भटक जाएगा, ये चोर उचक्के ही हैं। लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी भारत के लिए लड़ रहे थे और उससे अंग्रेजों को काफी दिक्कत हो रही थी। थोड़ा सा आप अपने मन से भी बना के इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न तीन, भाव स्पष्ट कीजिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। जो लास्ट वाला आपका आया था, ये पंक्ति में लास्ट में इसी का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा तीसरा है आपका। ठीक है, कवि का तात्पर्य यह है कि मीठी तथा कोमल आवाज से है कोयल की आवाज में मिठास होती है, परंतु यहाँ कोयल की आवाज में वेदनापूर्ण चीखे सुनाई दे रही थी, इसलिए कवि उसकी वेदना का कारण पूछना चाहता था। प्रश्न चार, कोयल की आवाज सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न चार का आंसर है, कोयल की कूक सुनकर, ठीक है, या उसकी आवाज सुनकर कवि को लगा जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेश लाई हो, और संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि कोयल सुबह होने की भी प्रतीक्षा नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपका जो वर्कशीट नंबर 29 था वो यही खत्म हो जाता है। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।